Hi, good evening everyone. Welcome to the amazing YouTube channel Study Point. आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं IUPAC nomenclature को पढ़ने के लिए. तो IUPAC nomenclature के इस amazing से लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नाम कैसे करते हैं. जो लेक्चर नंबर सेवन में हम लोग फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे. फंक्शनल ग्रुप का मतलब सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सेकेंडरी सफिक्स एकदम डिटेल में बताएंगे, शुरुआत से लगा के आखिरी तक जितना है फंक्शनल ग्रुप में आपके लेवल तक, JEE में, नीट में, CUET के एग्जाम में जितना कुछ आ सकता है आप में वो सब कुछ कवर करेंगे. पहले ओवरव्यू लेंगे पूरा जितने भी हमारे पास 13-14 फंक्शन ग्रुप हैं उन सब का, और फिर उसके बाद एक एक करके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक एक फंक्शन ग्रुप को उठाएंगे, उसको कैसे नाम करना है पहले वो सीखेंगे, और फिर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हर एक फंक्शन ग्रुप पर करेंगे, एकदम क्लियर करा देंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा. तो उससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो. जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर और वो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हैं वो सीधे आप तक मिलें सबसे जल्दी. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए. हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं वो इस चीज़ को जरूर करें क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम जो भी लेक्चर यहाँ पर लेते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है. ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें. अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो नाम भी है केमिस्ट्री विद सौरभ सर. ठीक है, इस नाम से जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब आप सर्च करने जाएंगे तो स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी के नाम से सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले हमारा चैनल मिल जाएगा. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करें. लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करें इससे पहले अगर कोई नया बच्चा हमारे इस चैनल को देख रहा है, जिसने जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जिन्होंने देखने के लिए आए हैं, तो वो उनको हम ये बता दें कि हम इस से पहले लेक्चर स्टार्ट करें कि चैनल पर 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया है IUPAC के बारे में, फिर हमने आपको बताया है सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर हमने बताया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके बाद हमने साइक्लिक रिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे लिखते हैं वो बताया है, उसके बाद साइक्लो कंपाउंड कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, और उसके बाद बाईसाइक्लो एंड स्पायरो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है. तो आप सब ने वो लेक्चर देखे होंगे, अगर किसी ने भी मिस किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक हमने दे दिया है, आपको कहीं से वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीक्वेंस से सारे वीडियोस लगे हैं, जाइए जाकर के जरूर देखिए, और आप सब अपने दोस्तों को शेयर करिए कि चैनल पर वीडियो आ गया है, फटाफट से जाकर के जरूर देखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों का. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो हमको पढ़ना है फंक्शन ग्रुप. इससे पहले हम आपको बता दें कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं. देखिए, आप लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, जो पहला फार्मूला जो हमने पहले दिन आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, तो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, आप प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने प्राइमरी प्रीफिक्स ही पढ़ाया है, इसके बाद आप रूट वर्ड देख चुके हैं, वर्ड रूट कैसे लिखते हैं, आपने प्राइमरी सफिक्स देख लिया है,
अब आप देखने चल रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। हमने आपको लेक्चर वन में ही कहा था कि हम आपको हर एक चीज सीक्वेंस में कराएंगे, जो आपके लिए भी आसान होगी और हमारे लिए भी, हमारे लिए समझाने में आसान होगी और आपको समझने में आसान होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने लेक्चर अभी तक हमने अपलोड किए हैं वो सब आपको समझ आया होगा, क्योंकि एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो कि शायद ही कोई कराएगा YouTube पर, ठीक है। तो अब हम लोग अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर का फंक्शनल ग्रुप में कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक-एक करके पहले सारे ग्रुप्स का देख लेंगे, कैसे लिखते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें, और फिर हम लोग एक-एक फंक्शन ग्रुप को उठाएंगे और बारी-बारी से क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगर यहां पर देखें तो पहला फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले ये यहां पर ग्रुप के नेम है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रिफिक्स में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में आएगा, एज अ सफिक्स लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई, ठीक है। अब हम चलते हैं पहला फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब करने। पेन नीचे रख दो, चेहरा ऊपर करो, एकदम इस प्यारी प्यारी शक्ल को देखो और जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा कंसंट्रेशन इधर, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। आप चलिए, आप देखिए, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रियोरिटी टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग प्रियोरिटी। कई लोग बच्चे आप पूछते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप में जो ग्रुप नेम है उनका प्रियोरिटी चार्ट क्या है, तो वो यही है, इसी सीक्वेंस में लिखे गए हैं आपके सारे फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल होता है वो होता है COOH, ठीक है। इसको अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बनाते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो, आपको पता है कि एक मेन चेन होती है और वहीं पर फंक्शन ग्रुप लगा होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप, जैसे इस फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, कार्बन है, यानी ये देखो COOH कार्बन है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग में काउंट हो रहा, सॉरी, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में काउंट हो रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में काउंट हो रहा है तो हम सफिक्स में यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। पूरा नाम लिखेंगे पहले रूट वर्ड तक, प्राइमरी सफिक्स तक, फिर उसके बाद हम लास्ट में ओइक एसिड जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग के साथ काउंट या चेन के साथ काउंट नहीं होता है तो हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के तौर पर क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पर यूज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स अगर यूज हो तो हम लगाते हैं कार्बोक्सी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक ये नहीं है कार्बोक्सी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको एज अ सफिक्स यूज करना है, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अगर कार्बन काउंट होगा तो होगा ओइक एसिड एज अ सफिक्स, अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला एकदम क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। चलो अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसा होता है, ये यहां पर ऑक्सीजन और फिर यहां पर हाइड्रोजन और इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एक ऊपर और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नीचे, ये होता है आपका SO3H, ठीक है। ये है SO3H, SO3H,
CO3H, ठीक है। अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, क्योंकि इसमें कार्बन है नहीं तो कार्बन काउंट या ना काउंट करने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसमें अगर ये प्रीफिक्स में यूज होगा तो सल्फो लिख देंगे, अगर ये सफिक्स में यूज होगा तो सल्फोनिक एसिड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एनहाइड्राइड की तरफ। एनहाइड्राइड में अगर देखें तो अगर ये कार्बन काउंट हो रहा है, अगर ये कार्बन काउंट होगा तो नाम लिखा जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अगर कार्बन काउंट नहीं होगा, अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्लियर। अभी जब हम नाम करेंगे ना तो इतना सारे एग्जांपल आप कर लोगे कि ये आपको याद रखना, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि ये इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो ये लिखा जाएगा, नहीं हो रहा है तो ये लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? बस आप एक बार देखते रहिए, जब आप फंक्शन ग्रुप करें तो आपको ऐसा ना लगे कि एकदम नया आ गया, ये क्या आ गया, ये सब ना लगे, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीजें आपको रिकैप करा रहे हैं। अब देखो यहां पर जो एनहाइड्राइड है वो कभी भी एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं होता, ठीक है। हाइड्राइड कभी भी एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं होता। अच्छा, एक चीज आप लोग पूछते हो जब ऑफलाइन पढ़ते हैं, तब ये सी चीजें पूछते हैं कि सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कैसे बना, तो हम ये आपको बता देते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप ये कैसे बना, हुआ क्या कि एक तरफ ऐसे ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH, फिर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यहां से क्या करो, आप वाटर निकाल दो, ठीक है, ये यहां से वाटर निकाल दिया, और जैसे ही अब यहां से वाटर निकाला तो देखो क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और इधर का सी ओ, यही बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ईस्टर। ईस्टर को कैसे नामेंक्लेचर करते हैं, तो ईस्टर का सबसे पहले अगर हम आपको ओपन स्ट्रक्चर ये दिखाएं तो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और आर। आर क्या है, आर है एल्काइल ग्रुप, आर क्या है एल्काइल ग्रुप। अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो बेटा लिखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनेट, क्या लिखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनेट। अगर इसका कार्बन काउंट होगा, अगर ये एज अ सफिक्स यूज हो रहा है और इसका जो कार्बन है वो काउंट होगा तो लिखा जाएगा एल्काइल ओएट, ठीक है, एल्काइल फिर रूट वर्ड और फिर ओएट, समझ गए। एल्काइल क्या है, जो यहां पर ये आर है ना, ये वाला आर, ये है एल्काइल, ठीक है, ये एल्काइल पहले लिखा जाएगा, जो भी होगा CH3 CH2 C2H5 जो भी लिखा जाएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट और फिर आपका OH जोड़ दिया जाएगा, क्लियर। अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो जब ये एज अ सफिक्स यूज होगा तो लिखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोक्सिलेट, एल्कोक्सी कार्बोक्सिलेट, क्लियर। एसिड हैलाइड की अगर हम बात करें तो एसिड हैलाइड COX, ठीक है, तो COX जो है अगर यहां पर देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। अच्छा, ये X क्या है, यहां पर X है फ्लोरीन क्लोरीन, ये वो वाली X नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना, ये यहां पर केमिस्ट्री की X है, ठीक है, केमिस्ट्री में कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब, ठीक है, ये सब X की जगह आएगा। अगर ये एज आप प्रीफिक्स यूज होगा तो लिखा जाएगा हेलो फॉर्माइल, और अगर ये एज अ सफिक्स यूज हो रहा है और ये कार्बन काउंट हो रहा है बेटा तो लिखा जाएगा ऑयल हैलाइड, और अगर ये कार्बन काउंट नहीं होगा तो लिखा जाएगा कार्बोनिल हैलाइड, ठीक। अभी तक लगभग लगभग सब एक ही जैसे आपको मिल रहे हैं, कोई भी कोई नया ऐसा सच नहीं मिला, ठीक। चलो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एमाइड की अगर बात करें, एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एमाइड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है भाई, ये होता है एमाइड का फॉर्मूला। अगर यहां पर कार्बन इसका काउंट होगा चेन के साथ तो लिखा जाएगा एमाइड,
सफिक्स के तौर पर। अगर हम सफिक्स की बात करेंगे तो ये एज अ एमाइड लिखा जाएगा कार्बन जब काउंट होगा। अगर ये मान लो प्रीफिक्स की तरह पर यूज हो जाए, प्रीफिक्स मतलब पहले, तो लिखा जाएगा कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है। और अगर ये एज अ सफिक्स यूज किया जाए बिना कार्बन काउंट किए, बिना इसका कार्बन काउंट किए, तो क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं, साइनाइड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर हम इसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? साइन, क्या लिखा जाएगा? साइन, ठीक है। अगर ये कार्बन, ये कार्बन अगर चेन के साथ काउंट होगा तो लिखा जाएगा एज अ सफिक्स, लिखा जाएगा क्या? नाइट्राइल, नाइट्राइल। और अगर नहीं काउंट होगा तो लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम एज आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में तो नाइट्रोजन है ही नहीं, सॉरी कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा नहीं, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, तो काउंटिंग का कोई झंझट ही नहीं है। और जब काउंटिंग का झंझट नहीं है तो आइसोसाइनो लगा दो या कार्बाइल अमीनो लगा दो एज अ प्रीफिक्स, और एज अ सफिक्स कार्बाइल अमीन ही यूज होगा। सफिक्स के तौर पर क्या यूज होगा? कार्बाइल अमीन। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको दिखे, ठीक है। तो ये क्या है? ठीक है, अगर एल्डिहाइड जो है इसका फार्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और H, ये होता है एल्डिहाइड। अगर इसका कार्बन काउंट होगा रिंग के साथ, ये वाला कार्बन अगर काउंट होगा रिंग के साथ, तो सबसे लास्ट में क्या जोड़ देंगे? सफिक्स के तौर पर अल, ए एल अल, ठीक है। और अगर ये कार्बन काउंट नहीं होगा और हमें लिखना है एज अ सफिक्स, तो लिखेंगे कार्बाइल एमाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे? कार्बाइल एमाइन। कार्बेल्डिहाइड होता है बेटा, ये गलत लिख दिया है, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बेल्डिहाइड, ये गलत लिखा है इसको, ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। और अगर हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो आप इसको ऑक्सो या फॉर्माइल कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन में ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये वाला कार्बन जो है वो गिना ना जाए, क्योंकि इधर भी अल्काइल होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो आपको ये गिनना ही पड़ेगा। अगर ये एज अ प्रीफिक्स आ रहा है तो लिखा जाएगा कीटो या ऑक्सो, और अगर ये एज अ सफिक्स आ रहा है तो लिखा जाएगा ओन, ओ एन ई, ठीक है। और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो जब एल्कोहल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तो लिखा जाता है हाइड्रोक्सी, और जब इसको लिखते हैं एज अ सफिक्स तो लिखा जाता है अल, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के बात करें थायोल की, तो जो थायोल है ये होता है SH, ठीक है, और इसमें जो थायोल है ये अगर एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो लिखा जाता है मरकेप्टो, और अगर सफिक्स लिखते हैं तो लिखा जाता है थायोल, ठीक है। एमाइन लास्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2, ठीक है। अब भाई आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ये तो प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री भी होता है, तो वो जो हम पढ़ाएंगे इसका, जब हम आपको नाम करा रहे होंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नाइट, अगर जो एमीन है ये एज अ सफिक्स, एज अ प्रीफिक्स यूज हो बेटा तो लिखा जाता है एमीनो, और अगर एज अ सफिक्स यूज हो तो लिखा जाता है एमाइन। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? एक एक बात, एक एक चीज समझ में आ गई? ओके, अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम करने चल रहे हैं हम लोग, पहला फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और एच, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम कैसे करते हैं वो देखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप आपका है रखा
वहीं से नंबरिंग करनी है। तो ये आपका सी यानी एक नंबर, ये है दो नंबर, ये है तीन नंबर और ये है चार नंबर। लिखना कैसे है? लिखना वैसे ही है जैसे अभी तक लिखते आए हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब ये देखना है कि ये कैसे लिखा जाता है। इसको जरा लिखिए, मैं बस एक मिनट में आया। हाँ जी, इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, क्या लिखा जाएगा आईयूपीएसी नाम? नंबरिंग तो हमने कर ली है, 1 2 3 4, इस तरीके से नंबरिंग हमने कर ली है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। देखिए तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, चार कार्बन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट। चार कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एन, ब्यूट एन हो गया। अब इसके बाद पहली पोजीशन पर है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अगर इसका कार्बन काउंट होता है तो लिखते हैं ओइक एसिड, तो क्या लिख दिया, ओइक एसिड। और कौन सा नंबर था, वन नंबर, कार्बन नंबर वन, तो इसको ऐसे लिख देंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही कर लें। तो ये लिखा जाएगा ऐसे, यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कार्बन नंबर वन। तो ये, और यहां पर एक और चीज, अगर दो बॉबेल एक साथ आ जाए, बॉबेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, ये दो चीज एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये ओ है और ये ई है, तो क्या होगा, ई कट जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, तो लिखा जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। एक साथ करके भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेनोइक एसिड करके भी लिख सकते हैं, ब्यूट एन ओइक एसिड। ओके, चलिए भाई, अब नेक्स्ट आईयूपीएसी का नाम। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं किसी को, ठीक है। अब देखो, अच्छा कुछ बच्चे ये चीज समझ नहीं पाते तो उनके लिए देखो हम ऐसे बना रहे हैं, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, और ये यहाँ पर इसके बाद आ गया C, ये डबल बॉन्ड आ गया O, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे ये कार्बन, यहाँ से ये CH3 और इसके साथ एक और CH3 ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर ये आपका कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक है। तो ये ऐसे बना हुआ है कुछ स्ट्रक्चर। तो अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा, यहाँ से 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ठीक है, नंबरिंग हो गई। नाम क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा सबसे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, 2.2 डाइमेथाइल, 2.2 डाइमेथाइल, और ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है, कुछ नहीं है, तो रूट वर्ड पर आओ। चार कार्बन यानी ब्यूट, प्राइमरी प्रीफिक्स एन, एन लिख दिया। पहली पोजीशन पर है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिख देंगे क्योंकि कार्बन काउंट हुआ है। और यहां पर क्या करें बेटा, ई काट दें, ठीक है, ई को हम कैंसिल कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? देखो, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम क्या लिखा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करें? अगर हम इधर से करेंगे तो 1 और यहाँ पर 5 आएगा, और अगर इस साइड से करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 आएगा। तो कहीं से कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कहीं से का मतलब है कि या तो इस साइड से या इस साइड से, कहीं से मतलब इधर उधर से कहीं से भी कर दो, ये नहीं है। एक ही तरफ वाले किसी भी एक तरफ के फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। कहीं से सर बीच से कर दीजिए, ये नहीं होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं, तो क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा वर्ड रूट। क्या नाम है? 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा एन। अब देखो दो जगह आ गया, दो जगह क्या आ गया? ओइक एसिड, और दोनों जगह का जो कार्बन है वो काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? ओइक एसिड, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड लिखा जाएगा। साथ में कैसे लिखेंगे? पोजीशन और डाई ओइक एसिड, दो जगह आया ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो यहां पर आएगा आपका 1, 5- डाई ओइक एसिड। अब यहां पर कुछ बच्चे पूछते हैं, सर अब ई कैंसिल क्यों नहीं हुआ? अभी भी तो ओइक एसिड लिखा है, अभी यहां पर ओइक एसिड से पहले डी आ गया है, इस वजह से ई कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ का स्टार क्वेश्चन आईयूपीएसी का है ये। चलो भाई बताओ इसमें नंबरिंग किस तरफ से करते हैं, नंबरिंग इसमें किस तरफ से करेंगे, नाम कैसे इसका लिखा जाएगा, चलिए बताइए बताएं। देखो इसमें जो आपके फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, एक ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, और एक फंक्शनल ग्रुप ये, तीन फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आप इसमें नंबरिंग करोगे एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप तक कार्बन को काउंट करवा रहे हो अगर आप, तो जब आप एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप तक नंबरिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, का कार्बन जो है वो छूट जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो अगर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैं, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप या तो काउंट हो चेन के साथ, या तो सारे के सारे नहीं काउंट हो। ऐसा नहीं होगा कि एक जैसे तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, दो काउंट हो गए और एक नहीं काउंट होगा, तो वो ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो क्या करते हैं फिर, तीनों को काउंट नहीं करते, तीनों को काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे, इस जगह से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक गए, 5 कार्बन आपको मिला और एक का जो फंक्शनल ग्रुप है ये छूट गया, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है मेन चेन में। अगर यहां से चलेंगे, इस जगह से अगर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, तो अगर इधर जाएंगे तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा। एक जैसे अगर हम कहीं से भी करें तो एक फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, तीनों को छोड़ देते हैं और नंबरिंग करते हैं बीच से, नंबरिंग करते हैं यहां से ही, ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ये दो तो काउंट कर लिए होंगे, एक को छोड़ दिया होगा, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कैसे, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रूट वर्ड, तो नाम क्या लिखा जाएगा, प्रोप, प्रोप एन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, तो नाम लिखेंगे सबसे पहले क्या, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड, ट्राई ओइक एसिड नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अब कार्बन काउंट नहीं हुआ है, समझ गए, अब कार्बन काउंट नहीं हुआ है मेन चेन के साथ, इसलिए ओइक एसिड नहीं लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है किसी को। चलो भाई अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए इसका नाम क्या करेंगे। इसका नाम भी वैसे करेंगे, अब नंबरिंग सबसे पहले देख लो,
नंबरिंग आप किधर से भी करोगे 1 3 5 ही आएगी, ठीक है। तो 1 3 5, 1 2 3 4 5, तो इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5। ध्यान रखो 2 1 0 1 2, ये रूल हमेशा आपने दिमाग में रखी, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, कुछ नहीं है सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ही नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स, यस, साइक्लो, क्लोज चेन साइक्लो, रूट वर्ड पे आओ, हेक्सेन, ओके। अब क्या लिखेंगे, अब आएगा 1 3 5 पर, तो 1 3 5 ट्राई, और बताइए क्या लिखें, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। या अगर आपने सही यहाँ पर सोचा ना तो कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही सोचा था या सही लिखा है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। क्यों नहीं लिखा ओइक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन चेन के साथ, मेन चेन के साथ काउंट नहीं हुआ। सिंपल, सबसे सिंपल कहानी है इसकी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करके बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसी का, नंबरिंग बताइए बस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिना टाइम लगाए जल्दी जल्दी से करते हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन हो गए आपके सामने, तो क्या नाम लिखा जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सर क्लियर, ओके। चलो ये तो एकदम सेम था ऊपर वाले की तरह, आप देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में बताइए कैसे लिखेंगे नाम, ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बस आपसे, प्रैक्टिस ऐसे करो कि कोई भी गलती ना होने पाए। चलो बताओ किधर से करें, अब सर हमको ये पता है कि नंबरिंग तो यहां से ही स्टार्ट होगी, अब आप क्या करेंगे, अब आप उस तरफ जाओ जिधर कार्बन ज्यादा है, तो हमको पता है कार्बन सर इस तरफ ही ज्यादा है, 2 3 4 5 6 बोलो, तो नाम क्या लिखा जाएगा सर, 2 1 0 1 2 से ही नाम करेंगे, तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका, 2 प्रोपाइल लिख दिया, फिर इसके बाद क्या प्राइमरी प्रीफिक्स लिख दिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, रूट वर्ड, 5 का 6 कार्बन के लिए लिखा जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा एन, और 1 पर है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिख देंगे और ई को सर काट देंगे, ई का कटना है, ठीक है, हाँ भाई कटना तो है ही एक ना एक दिन, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी एक बार फिर पेन नीचे रखिए और नजरें ऊपर मेरी तरफ देखो, और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, उसको सुन लो या कॉपी पर लिख भी लेना। देखो अगर रिंग है और फंक्शनल ग्रुप है, अगर रिंग और फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं, तो हम नंबरिंग किधर से करते हैं, इसका एक छोटा सा रूल है, अगर रिंग फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, ध्यान से, अगर रिंग फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर नीचे वाले में इसमें दिखाया जा रहा है, अगर रिंग फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होती है, तो जो पेरेंट चेन है वो रिंग वाला माना जाता है, पेरेंट चेन रिंग वाला जो है इसको पेरेंट चेन मानेंगे, ये पेरेंट चेन होगा, ठीक। अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, तो जो रिंग है वो पेरेंट चेन नहीं होगी, बल्कि फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा होगा वो मेन चेन होगी। ऊपर वाले पे आओ, देखो यहां पर भी रिंग है, यहां पर भी देखिए 3 कार्बन की रिंग है, साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच ना हो करके इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन इस रिंग से अटैच है, तो यहां पर जो पेरेंट चेन होगी वो ये वाली कार्बन चेन होगी,
ठीक है, ये वन और ये टू, और जो साइक्लोप्रोपेन है ये यूज होगा साइक्लोप्रोपाइल एज अ प्रीफिक्स। दस दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इसको अगर आपको नहीं समझ आया ना तो छोटा छोटा करके कहीं साइड में कॉपी के ऊपर जो पन्ना होता है ना वहां पर नोट करके लिख लो। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, अगर रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, अगर रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो जो पेरेंट चेन आप चुनेंगे वो रिंग होगी, रिंग होगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन लिखा जाएगा, ठीक है, या साइक्लोपेंटेन लिखा जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो रिंग एज अ साइड चेन यूज किया जाएगा। ठीक है, पेरेंट चेन किसे मानेंगे? जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो आपकी पेरेंट चेन होगी, और जो ये है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे वो आपका एज अ साइड चेन यूज किए जाएंगे। दैट क्लियर? सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर। ठीक, चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर जो रिंग है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, अगर रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे नाम, इसका कैसे लिखेंगे वो चीज देखिए। तो यहां पर नंबरिंग पहले किधर से करेंगे? ये आपकी नंबरिंग होगी, ये कार्बन नंबर वन और ये कार्बन नंबर टू, ये पेरेंट चेन हो गया क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नाम इसका लिखा जाएगा पेरेंट, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स पर क्या आया है, टू साइक्लोप्रोपाइल, टू साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है भाई, लिख दिया टू साइक्लोप्रोपाइल लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, दो कार्बन है इसलिए क्या लिखा जाएगा, इथ, इथ लिखा, एन सिंगल बॉन्ड से अटैच है और पहली पोजीशन पर ओइक एसिड लगा है इसलिए लिख दिया ओइक एसिड, और ई को क्या कर दें, काट दें, बार बार ई का कट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब लोग, कमेंट में बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या है, जो रिंग है वो डायरेक्टली अटैच हो गया किससे, जो रिंग है वो डायरेक्टली अटैच हो गया किससे, फंक्शनल ग्रुप से, तो इसका मतलब इसमें पेरेंट चेन कौन होगा, रिंग। तो नाम क्या लिखा जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और पहली पोजीशन पर यहां पर जो है ये आपका क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, ये काउंट तो हुआ नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बस याद करने के लिए आपको तरीका बता दिया है, बाकी ऐसा कुछ साइक्लोप्रोपेन ही क्या लिख दिया हमने, एक सेकेंड, इसको लिखा जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, देखो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका लास्ट क्वेश्चन। देखो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि कैसे नाम करेंगे, अगर आप बेटा इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पहली पोजीशन पर आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और सिक्स पोजीशन पर मिल रहा है, अगर हम इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6 तब भी वन और सिक्स पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, तब आप किधर से जाएंगे, अब हम सेकेंड जो प्रेफरेंस है वो देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड आपका इस तरफ से पास पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से कर देंगे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 फिर हो गया 6। क्लियर, नाम कैसे लिखते हैं, नाम क्या लिखा जाएगा इसका, नाम बताइए, सबसे पहले अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे ना, तो नाम क्या लिखा जाएगा, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर, अब आता है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं कोई, फिर रूट वर्ड 6 कार्बन हेक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख गया, प्राइमरी प्रीफिक्स लिख गया, वर्ड रूट लिख गया, अब क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बेटा क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि
जो है क्या लिखा जाएगा, इन कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, तो क्या हो गया इन लिख गया। अब वन कॉमा, वन कॉमा सिक्स डाई ओइक एसिड, देख लो भाई एक बार फिर से बता दें क्या, नंबरिंग इधर से करी क्योंकि डबल बॉन्ड पास पड़ रहा था इस वजह से नंबरिंग इधर से करी। नाम क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा 5-bromo क्योंकि B पर सबसे पहले आता है, फिर C आता है, 4-chloro, फिर वर्ड रूट का हेक्सेन, हेक्स 2-ene, हेक्स आएगा एज अ वर्ड रूट, 6 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट हेक्स, फिर दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए लिखा 2-ene, और पहली और सिक्स पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है रिंग के अंदर, इस वजह से क्या लिखा जाएगा ओइक एसिड, और दो है इसलिए डाई लगाया और पहले पोजीशन लिख दिया, ठीक है क्लियर। अब इसके बाद बेटा आता है सल्फोनिक एसिड, क्या आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड अगर एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो लिखा जाता है सल्फो, ठीक है सल्फो, प्रीफिक्स कब लिखा जाता है जब इससे बड़े लोग अवेलेबल हों, जैसे सल्फोनिक एसिड से पहले अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पर है तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगी, सफिक्स में लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये चला जाएगा एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो और सबसे बड़ा यही हो तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा एज अ सफिक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इसको हमें लिखना है एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स, सॉरी एज अ प्रीफिक्स तो लिख दिया ना सल्फोनिक एसिड, एज अ प्रीफिक्स अगर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं सल्फोनिक एसिड, सिंपल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इज दैट क्लियर। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर ऑक्सीजन एक यहाँ, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर ऑक्सीजन एक नीचे, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। चलो भाई अब चलते हैं आगे, दिस इज योर सल्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर और वो सब बता दिया, अब सीधे नाम पर चलते हैं। इसमें नंबरिंग कार्बन क्योंकि है नहीं, इंक्लूड करना या नहीं करना है ही नहीं, तो इंक्लूड करोगे या छोड़ोगे क्या, ठीक है तो नंबरिंग इधर सही करनी है। अच्छा यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ये नहीं करना है, ये कैसा है लिखा बता देते हैं, CH3 CH2 CH2 और फिर है SO3H, ठीक है वो इसका बॉन्ड है सिंपल, कोई कार्बन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर नंबरिंग होगी 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, तीन कार्बन आपके सामने आ गए, ठीक है तीन कार्बन आपके सामने है, 1 2 3 4, अच्छा चार कार्बन है सॉरी, ये यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका ये 2 और यहाँ पर आएगा CH3, ठीक है तो हो गया चार कार्बन, चार कार्बन हो गए, ठीक है नाम इधर इसमें अगर बताएं तो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए बेटा लिखा जाता है ब्यूट, चार कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखा जाएगा एन, और पहली पोजिशन पर है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक ओके। अभी इस वाले को थोड़ा सा भी एक मिनट में बताएंगे, पहले थोड़ा सा नीचे वाले क्वेश्चन करो, देखो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें नंबरिंग ऐसे करेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, ठीक है लिखा क्या जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं ना, तो नाम आएगा इसका साइक्लोब्यूटेन, लिखा साइक्लोब्यूटेन, फिर क्या लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटेन के बाद 1.2 डाई सल्फोनिक, डाई सल्फोनिक एसिड, 1.2 डाई सल्फोनिक एसिड, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5, तो नाम क्या लिखा जाएगा साइक्लो पेंटेन, पांच कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, फिर 1.2 डाई सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, ठीक ये इसका नाम। अब इसके बाद सर एक छूट गया, हाँ हाँ याद है एक छूट गया,
ये देखो अभी इस वजह से नहीं कराया, अब मतलब छुड़वा दिया था कि इसमें आपके दो फंक्शन ग्रुप, दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, तो इसका नाम इसलिए नहीं बताया। अब बताते हैं, देखो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे जो पहला प्रियोरिटी में पहला कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर 5 और 6, ठीक है। तो इसका नाम इधर लिख देते हैं, ओके पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। देखो नाम क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो वही आएगा साइक्लो, फिर लिखा जाएगा हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब देखो साइक्लो हेक्सेन, ये हो गया साइक्लो हेक्सेन, ठीक। अब इसके बाद साइक्लो हेक्सेन लिख दिया, लेकिन इससे पहले गलती कर दी है, साइक्लो हेक्सेन से पहले क्या लिखा जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर जो सल्फोनिक एसिड है वो सल्फोनिक एसिड कैसे लिखा जाएगा, एज अ सफिक्स यूज हो रहा है, ये जो है ना ये एज अ सफिक्स यानी सल्फो लिखा जाएगा, तो सबसे पहले तो यही लिखा जाएगा क्या, थ्री सल्फो, थ्री सल्फो, फिर आएगा साइक्लो हेक्सेन 1 OH एसिड, 1 OH एसिड, और यहां पर ये ई कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अरे यार एक और गलती, ओइक एसिड नहीं लिखा जाएगा, ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा जाएगा, ओइक एसिड इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर कार्बन जो है ना वो काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा फिर, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड, देख रहे हो, देख रहा है विनोद कैसे कैसे नाम लिखवाए जा रहे हैं, यहीं पर गलतियां हो जाएं जो कुछ हो जाएंगी, ठीक है, बाद में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी गलतियां बताती हैं कि आप जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। चलो भाई अब देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड कैसे बना, क्या कुछ हुआ, ये सब हमने आपको बता दिया। दो ग्रुप हमने कर लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और सल्फोनिक एसिड तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ पढ़ना सब कुछ है, तो इसलिए छुड़वा कुछ भी नहीं रहे हैं, सारा कुछ आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब एसिड एनहाइड्राइड में क्या करते हैं, इसमें देखिए ये एज अ प्रीफिक्स तो यूज होता नहीं है, तो इसकी एक टेंशन खत्म हो गई, यूज होता है एज अ सफिक्स, तो जब एज अ सफिक्स यूज होता है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कार्बन काउंट करो, कार्बन अगर काउंट होगा तो ओइक एनहाइड्राइड, अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा, ओइक एनहाइड्राइड नहीं लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखा जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं बता देता हूँ, जो ऑक्सीजन लिखा है ना वहां से इसको बीच से काट दो, बीच से काट देते हैं ऐसे, पहले इसको समझ लो, पेन नीचे रख दो 2 मिनट के लिए और चेहरा ऊपर कर लो मेरी तरफ और देख लो समझ लो, फिर उसके बाद करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं हमने लाइन से ही, ठीक है, फटाफट से करते जाओ। देखो यहां पर अब नंबरिंग करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर भी 1 और 2 दोनों सेम है तो कोई एक लिखा जाएगा, अगर कार्बन दोनों तरफ सेम हो जाए ना तो कोई एक ही लिखा जाता है, तो जैसे ऊपर भी इथेनोइक नीचे भी इथेनोइक होगा, ऊपर भी इथेनोइक नीचे भी इथेनोइक, तो क्या लिखेंगे, इथेनोइक इथ एन और हाइड्राइड है इसलिए क्या लिखा जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऊपर वाली चेन अलग नीचे वाली चेन अलग, अगला क्वेश्चन लीजिए, देखो देखो अगला क्वेश्चन, अब यहां से कट करना है कार्बन से ऑक्सीजन से, सॉरी कट कर दिया, ऊपर वाली चेन में देखेंगे अगर तो 1, 2 और 3 कार्बन है, नीचे वाली चेन में आओ 1, 2 दो कार्बन है, ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर का नाम होगा प्रोपेनोइक, नीचे का नाम होगा इथेनोइक, इथ एन ओइक, प्रो एन ओइक,
एनहाइड्राइड बाद में लगा दो। आप बताओ प्रोपेनोइक पहले आएगा कि इथेनोइक पहले आएगा? इथेनोइक पहले आता है एबीसीडी में, तो क्या लिखा जाएगा? इथेनोइक, इथेन ओइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलो बताओ समझ में आया? चलिए बताइए समझ में आया। अच्छा एक गलती और आपने करी है, क्या करिए बताते हैं? नहीं करी आई थिंक, हमें लगा था कि यहाँ पर ई लिखा होगा, बट नहीं, पहले ही हमने इसको सही करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी हर जगह सही लिखा है, कोई गलती नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं हो रही, क्योंकि हम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, और आपसे भी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अब आप तो कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से ये कट किया, ऊपर में कितने कार्बन? चार कार्बन, नीचे में तीन कार्बन, ऊपर में चार कार्बन है तो नाम क्या लिखा जाएगा बताइए? ऊपर में चार कार्बन तो नाम क्या लिखा जाएगा? चार कार्बन के लिखते हैं ब्यूटेनोइक, तीन कार्बन के लिखते हैं प्रोपेनोइक, तो पहले आएगा ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, फिर आएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और फिर आएगा आपका एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है क्या, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? ठीक है ना, अभी तक हमने क्या लिखा? ओइक एनहाइड्राइड हम लोग लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन ही, जो अगला क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एकदम गौर से, और आपको समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ से कट करेंगे तो अब देखो क्या ये कार्बन इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर पहला नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर, या वाई से बरसा ऊपर नीचे, ठीक है कर सकते हैं। तो अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा चलिए बताइए, नाम क्या लिखा जाएगा? नाम अब फिर से भाई दिमाग में लाओ, 2-1, नाम फिर से दिमाग में लाओ, 2-1-0-1-2। ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, है ना, साइक्लो क्लोज चेन है ना, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर क्या लिखा जाएगा साइक्लो के बाद? क्या लिखेंगे? हेक्सेन। साइक्लो के बाद क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और अब बताइए कौन कौन सी पोजीशन पर आपका एनहाइड्राइड आया है? पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पर, तो पहली पोजीशन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखो बहुत सिंपल है, एक अभी और छोटी सी ट्रिक बता देते हैं इसकी, आप जैसे ही इसको आपने ब्रेक किया ना, अगर समझ पाओ तो मैं बता रहा हूं। देखो कहीं पर भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, एक सिंपल सी ट्रिक हम तुमको बता देते हैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जैसे मान लो तीन कार्बन हो गए, चार कार्बन की ये हमने चयन कर दी। अब देखो जैसे मान लो ये लिखा है, ठीक है, और आपको मान लिया, हाँ इसके नेमिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? आपने यहां से इसको कट किया, ये कट कर दिया, ठीक है, और ये कट किया, तो यहां पर एक OH जोड़ दो और एक OH बेटा यहां पर जोड़ दो। अपने दिमाग में मतलब सोच लो, ऐसा जोड़ना नहीं है, अपने दिमाग में ऐसा सोच लेना। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बस कार्बोक्सिलिक एसिड में ही एसिड ना लगा करके एनहाइड्राइड लगा देना है, एसिड नहीं लगाना है क्योंकि हम एनहाइड्राइड पढ़ रहे हैं, तो हम एसिड ना लगा करके एनहाइड्राइड लगाएंगे। तो देखो पहले ऊपर देखो 1-2-3 कार्बन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, नीचे 1-2-3-4 कार्बन, तो चार कार्बन है इसके लिए क्या लगाते हैं? ब्यूटेनोइक, तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड दो जगह आ गया, तो एक जगह लिखेंगे, तो यानि क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेनोइक, फिर इथेनोइक एनहाइड्राइड या प्रोपेनोइक जो भी है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक समझ में आ गई ना? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जोड़ देते हैं क्या OH, ठीक। अब ये कोई ये लोग ये कहेंगे कि सर ये तो पांच कार्बन हो गए, कार्बन के तो पांच बॉन्ड हो गए, तो अब
वो बेटा इमेजिनेशन के लिए हमने बताया था, ठीक है। सोच लो कि मान लो तुम अभी सेलेक्ट हो गए हो, ऐसे नहीं करते हो कि मान लिया कि हमारे नाम क्या के डॉक्टर लग गया, बस वही चीज। अब देखो यहां पर सेम चीज क्या करना है, यहां से इसको ब्रेक करिए और सेम चीज एकदम नंबरिंग जो अभी अभी करके आए हैं ऊपर 1 2, ये हो गया। नाम क्या लिखा जाएगा, साइक्लो साइक्लो ब्यूट्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। और कौन कौन से पोजीशन पर है, 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन फिर से बताइए, एकदम बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ गए सारे, एकदम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर थोड़ा आसान से क्वेश्चन, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हुआ हो ना तो वो एकदम अच्छा हो जाएगा। अब देखो 1 2 3, तीन ऊपर तीन ही नीचे हैं कार्बन, तो क्या होगा, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, तो नाम क्या लिखा जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पढ़ रहे हैं। ओइक के साथ एसिड लगाने की बहुत गंदी आदत होती है। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क कर दूं क्या, चलो होमवर्क कर देते हैं। कल पक्का जिन लोगों ने इसका सही नाम लिया होगा, इसका सही नाम लिखा होगा ना, उसको हम नाम यहां से अनाउंस करेंगे। अभी कुछ लोगों ने नाम लिखा था, मैं मुझे एक नाम याद है पक्का, मुझे एक नाम याद है, पवन करके कोई लड़का है जिसने एक बच्चा है जिसने नाम सही लिखा था। इससे पहले वाले वीडियो में ना मैंने बोला था, मुझे याद है मैंने बोला था कि जो भी सही नाम बताएगा, जो भी उसमें हमने जो कंपाउंड दिया था उसमें जो सही नाम बताएगा उसका नाम यहाँ से लेंगे। तो पवन एक करके बच्चा है जिसका नाम एकदम सही था, तो वो मैंने नाम आज यहाँ से ले लिया, मुझे याद है, ठीक है। मैंने कमेंट देखा था, ठीक है, और सारे कमेंट देखता हूँ मैं, ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इसका नाम जो ये आपके सामने लिखा है, इसका ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट से इसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है जितना आपने समझा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर के बाद अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आपको लेक्चर में कमेंट करना है, कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है, कि सर ये चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन का बटन नहीं दबाते, बेल आइकन को का बटन प्रेस करके और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ठीक है। और बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, फिर से कह रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह इसको शेयर करो, जितने भी ग्रुप्स आपके हैं दोस्तों के उन सब में इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक फटाफट से कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कराइए। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं ना, ईस्टर से लगा करके एमीन तक। और अच्छा कुछ बच्चे एक चीज और कहते हैं कि सर ईथर नहीं पढ़ाया आपने, ईथर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ईथर एज अ साइड चेन यूज करते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइड चेन नहीं, एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो पहले कल हम एमीन तक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे पॉली फंक्शनल आईयूपीएसी नेमिंग, पॉली फंक्शन जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में होंगे, मिक्स क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो होंगे, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी, उसका भी एक अलग से सेशन है, ठीक है। तो टोटल 10 लेक्चर आईपीएससी के बनेंगे, जिसके में कि 7 आज हो गए हैं, 3 और बचे हैं जो कि कल परसों और उसके बाद आ जाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दो सब्सक्राइब, और शेयर तुरंत करो, ठीक है, फटाफट से शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।